आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के बहुचर्चित नाम अमित शाह जी के बारे में। ऐसे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जय विरुद्ध कहा जाता है। 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है सुना जाता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थिंकबेटर। अमित शाह का पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक व्यापारिक परिवार में। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मानसा शहर से है। वो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेहसाना में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वो अहमदाबाद आए, जहाँ से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। राजनीति में आने से पहले वो मानसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन राजनीतिक रुझान हुआ। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी ने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार का जिम्मा अमित शाह को मिला। दूसरा मौका मिला 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ने का तय किया। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने गए। 2009 में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। तब सुर्खियों में आए जब 2014 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़। 19 वर्षीय इसरत जहां जी संजोहर और अमजद अली राणा के साथ पुलिस की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोत्राबाद हुए दंगों में बदला लेने के लिए लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने के लिए अपील की। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, लेकिन 12 जून 2013 को सुलह भी लोकसभा के ठीक 10 महीने पहले उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा के सीटों में 71 बीजेपी ने अपना मोहर लगाया। इस करिश्माई जीत के सिपका रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। दोस्तों, ऐसे तो अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी खूब चमकी भारत की राजनीति में। देखते हैं क्या होता है 23 मई के बाद। इसके टीम जय हिंद।